हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह बालको के कॉफ़ी पॉइंट। तो वहाँ चलेंगे और आपको जैसे अभी देखे होंगे कि कितना अच्छा व्यू वहाँ का आ रहा था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्त आ रहा है, चलते हैं उसके साथ घूमने। कहाँ तो आपको जैसे पता है कॉफ़ी पॉइंट, चलिए चलते हैं। तो भाई अभी घर से तो निकल गया हूँ, चल रहा हूँ रास्ते में। अभी एक दोस्त तक यहाँ है बोला है, क्योंकि और लोग जा रहे हैं, सबको आप लोगों से मिलाता हूँ फिर। भाई अभी निकल गए थे वहाँ से, अभी पेट्रोल डलाने के लिए रुके हैं, क्योंकि दूर भी जाना है तो पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा। और दूरी की बात करें तो करीबन 15-20 किलोमीटर है, क्योंकि जैसे कि पिछले 2-3 वीडियो में आप देखे होंगे कि रास्ता कैसे था, ट्रक थोड़ा जाम लगा रहता था, इसलिए जल्दी निकले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते आगे कैसे होता है। जाने का रास्ता में पहुंच गए थे, अभी दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पीछे में थे। और चारों तरफ जंगल है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, और बीच में एक रास्ता है। अभी सुनसान कोई नहीं, दो ही लोग हैं, भाई है और मैं हूँ। अब देखते हैं कितना टाइम तक आते हैं उन लोग, फिर आगे जो व्यू दिखाऊंगा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा आगे का वीडियो। तो भाई जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे थे, ऊपर में भी बारिश हो रहा है। जैसे पीछे में भी रुके थे तो वहाँ देखे थे आपको कुछ बारिश नहीं हो रहा था, अब जैसे ही ऊपर आए यहाँ बारिश होना चालू हो गया है। जैसे कि आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये है रास्ता, ये ऊपर चलने का है, और इधर ऊपर में बारिश हो रहा है, आगे और बहुत बारिश हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रुके थे थोड़ा देर दो भाई लोग के साथ, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। अभी एक पॉइंट में रुके हुए थे, जैसे कि आप लोगों को पीछे दिखाया था, अभी और दिखा देता हूँ एक बार। अभी अच्छा ऊपर है, बारिश हो रहा है, जिससे कि व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को पीछे का व्यू को। तो भाई अभी यहाँ पे भाई लोग फोटो वोटो खिंचा रहे थे, मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। क्योंकि लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये है कॉफी पॉइंट, इससे आगे भी पॉइंट है जिसमें से अच्छा व्यू आता है। अभी तो बारिश हो रहा है, अपना छत्तीसगढ़ में बारिश के टाइम में घूमने का सबसे अलग ही मजा रहता है। जैसे कि आप लोगों के अभी सामने का व्यू दिखाने वाला हूँ, अभी बारिश हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरा धुंध कोहरा है, वो कोहरा नहीं, वो बारिश है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी मस्त अच्छा स्पीड में बारिश भी हो रहा है, और पूरे बारिश के कारण पहाड़ में कोहरा जैसा दिख रहा है। कैमरे से उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन जब आप सामने से देखें तो व्यू बहुत अच्छा है। अपने कोरबा क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में घूमने का मज़ा अलग ही रहता है। अभी बारिश बहुत तेज़ बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अभी ऊपर में और अधिक बारिश हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग ये रुके हैं क्योंकि कम बारिश हो रहा है। इससे नीचे में भी कम बारिश था, जैसे कि आप पीछे वीडियो में देखे होंगे। तो देखते हैं कितना देर में बारिश रुकता है, उसके बाद ऊपर चलेंगे। कि अभी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बारिश बढ़ते जा रहा है, बारिश का मौसम भी एकदम से अच्छा है घूमने का, वो भी पहाड़ी इलाका। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बारिश और होते जा रहा है, जैसे पीछे को भी आप लोग दिखाता हूँ। जैसे देख रुके हुए थे, अब बारिश भी कम हो गया है, अब धूप हल्का हल्का निकल गया है, लेकिन सामने का व्यू जैसे का तैसा ही है। बहुत देर हो गया, करीबन 1 घंटा हो गया यहाँ पे रुके, बारिश भी कम हो गया। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर में बहुत बारिश हो रहा था, भाई लोग ऊपर चले गए थे, पूरा भीग गया इन लोग। अभी चलते हैं ऊपर हम लोग भी। तो भाई व्यू पॉइंट से भी आए थे ऑफिस में, तो यहाँ शायद अंदर अभी नहीं जाने दे रहे हैं, अब वो तो पता नहीं क्यों नहीं जाने दिए, लेकिन मैं बहुत लोग का वीडियो देखा तो उन लोग अंदर जाके वीडियो बनाए हुए थे। चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं मिला, आगे चलते हैं। आगे में से एक टंकी है, उसमें से चढ़ के आप लोगों को व्यू पॉइंट दिखाते हैं कि आगे का कैसा दिखता है। फिर मौसम वैसे ख़राब होना, ज़्यादा बारिश होगा तो फंस जाएंगे रास्ते में, तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे रास्ता में रुकते हैं कहीं पर,
क्योंकि मौसम फिर बना रहा है, बहुत बारिश हो गई। बार सामने जैसे पीछे देख रहे हैं, तो आ तो गया था, बारिश बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए आगे का ब्लॉग भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर ब्लॉग करना रहता तो मोबाइल हो जाता खराब। इसलिए मैं सीधा मोबाइल बंद किए अब जेब में रखो और सीधा घर आ गए थे। घर पहुंच गया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।